हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 8 और स्वागत है आप सभी का ठीक सुबह 8 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आज है सैटरडे और आपकी क्लास हो रही है सुबह 8 बजे, क्योंकि आज है सैटरडे स्पेशल क्लास। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कोडिंग डिकोडिंग पूरा का पूरा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या 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 वेटेज होता है एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और आप किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तैयार हो सभी लोग? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, और बिल्कुल आप सबको भाई ईद मुबारक, ठीक है। चलो शुरू किया जाए आज के सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ABCD याद होनी चाहिए। क्या कह रहे हो मैडम, ABCD तो याद है। ABCD में कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है ये भी याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो टेंशन मत लो, हम याद करवाएंगे। शुरू करते अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी सूचना आप सभी के लिए। वो जरूरी सूचना क्या है, तो एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है SSC GD कॉन्स्टेबल के लिए परिवर्तन 3.0 बैच। बैचेस की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल से। अभी लगभग मान के चलो आप 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी बहुत से चैप्टर भी बाकी हैं। तो अगर आप SSC GD कॉन्स्टेबल के लिए बैच लेना चाहते हैं तो नए बच्चों के लिए फीस रहने वाली है ₹899, पुराने बच्चों के लिए फीस रहेगी ₹599। 1 साल की वैधता के साथ बैच आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप कितने बार भी PDF खोल के देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, मतलब जितने बार भी आप चाहो 1 साल में चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस की PDF आपको क्लास के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड करने के बाद YouTube प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के अपने आज के बेहतरीन चैप्टर को, कोडिंग डिकोडिंग। वेटेज की बात कर लेते हैं। अगर मैं SSC GD की बात करूं, जो पिछले बार SSC GD का एग्जाम हुआ, इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो वो सभी देख लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्टली खेल या मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्षरों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, जब पूरा बेसिक समझ रहे हैं तो पूरा A to Z चीजों को हम समझते चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं अक्षर से संबंधित, मतलब अल्फाबेट से रिलेटेड। अब अल्फाबेट के अंदर भी या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अक्षर से अक्षर ही बनाया गया हो, मतलब अल्फाबेट से अल्फाबेट को ही बनाया गया हो, कोड किया गया हो, ठीक है। जैसे लिख दिया गया, यदि ABC को किसी प्रकार लिखा जाता है XYZ, तो बोल देगा PQR को क्या लिखा जाए। जब अक्षर का रिलेशन अक्षर से हो तो एक तो हो गया आपका ये अल्फाबेट वाली कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसी के अंदर जब अक्षर को नंबर से चेंज किया गया हो, अक्षर का कोई रिलेशन संख्या से बना दिया गया हो, जब अल्फाबेट को नंबर में चेंज कर दिया गया, ये भी तो कोड डिकोड कहलाएगा, पहचानना पड़ेगा क्या चल रहा है इसके साथ, ठीक है। आपको दे दिया गया, यदि किसी प्रकार से बैन को लिखा जाता है क्या, यदि किसी प्रकार से बैन को 17 लिखा जाता है तो बता दो पैट को क्या लिखा जाएगा, मतलब नंबर दे दिया ना, अक्षरों का नंबर बनाकर दे दिया उसने, ठीक है, अल्फाबेट के अंदर ही हो गया। इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है आपका नाम बदलने वाली कोडिंग डिकोडिंग, तो आप बोल सकते हो नेम रिप्लेस कोडिंग डिकोडिंग, नेम रिप्लेस कोडिंग डिकोडिंग। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, यदि काले को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को नारंगी कहा जाता है तो हल्दी का रंग कैसा होता है, सुना ऐसे क्वेश्चन। ये होते हैं नाम बदलने वाले क्वेश्चन, चेंज कर दिया, यदि हरे को पीला, पीले को काला, काले को नीला, नीले को नारंगी,
इस तरीके वाले क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जाता है कि बता दो हल्दी का रंग कैसा होगा, हल्दी का रंग कैसा होगा। ठीक है, आ जाओ एक और चीज देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक और पार्ट आता है, जब जब आप कह सकते हो कुछ अजीबोगरीब कोड दिखने को मिल जाए, या जिसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी कहा जाता है, या फिर जिसके अंदर आप बोल सकते हो स्टेप कोड दिया जाता है, जैसे बोला जाए यू आर सो स्वीट, यदि यू आर सो स्वीट को ली पा का मो लिखा जाता है, स्वीट इज नॉट गुड को पा का मो या पा रा सो टा लिखा जाता है, तो स्वीट के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर आज के सेशन में हम इन सभी को करने वाले, तो ये एक रफली आइडिया था कि भैया क्या क्या पढ़ेंगे हम। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, एक बार समझने के बाद जब क्वेश्चन चलेंगे तो कोशिश करेंगे हम बिना कॉपी और पेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, चलो अभी इसका उत्तर मत दो, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन आएंगे, शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। सेशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ये जानेंगे कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, इसको कैसे याद किया जाए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है इसको कैसे याद किया जाए, याद करते हैं इसको। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W X Y Z। अगर आपको अल्फाबेट याद है तो ये मान के चलो आपके तीन से चार चैप्टर क्लियर हो जाते हैं, चाहे वो आपका वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बने, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बने, या अल्फाबेटिकल टेस्ट का बने, तो याद रखना इसको। ठीक है, हमने बहुत पहले से और काफी बार कई जगह से हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी अक्षरों के नंबर याद करने होते हैं ना, तो हमें इजोटी याद रखनी है, पढ़ा हुआ है हमने। इजोटी में सारे नंबर पांच के मल्टीपल है, पांच पांच दुनी दस, पांच तिया पंद्रह, पांच चौके बीस, पांच पंजे पच्चीस। इजोटी में ये सारे अक्षर इस नंबर पे आएंगे, तो यहां से तो डायरेक्टली याद हो जाता है कि भाई इजोटी के अंदर मुझे जो भी लेटर दे रखे हैं ये पांच के मल्टीपल हैं। हालांकि मैं इसको भी आपको एक ट्रिक से याद करवाऊंगी। ठीक है जी, ये क्या है, पांच के मल्टीपल है। अब आ जाओ बाकी के लेटर को याद करते हैं, जैसे ए बी सी डी शुरू के नंबर, तो ये याद रहेंगे आपको ए बी सी डी वन टू थ्री फोर। एफ को कैसे याद रखोगे, फिक्स को सिक्स से याद रखना, फिक्स को सिक्स से याद रखेंगे। ठीक है, फिक्स सिक्स। अगर आप जी को बड़े ध्यान से देखो तो ये सेवन की शेप दिखाता है, सात इसके अंदर खुद से बना हुआ है, बस आपको पहचानना है इसे। H को अगर आप देखोगे तो ऊपर और नीचे वाली साइड मिला लो, क्या बन गया, आठ, H को आठ लिखा जाएगा। I को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ये नाइन वाली आकृति बना रहा है, I आता है नौवे नंबर। किंग्स इलेवन पंजाब कितने बार जीती अभी आईपीएल में, खैर चलो दिल्ली कैपिटल जीती तो सही है एक बार, हाँ किंग्स इलेवन पंजाब याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, लव करके बारह बज जाते हैं, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। ठीक है, तो एम आता है तेरह पर, एम को उल्टा लटका दो दस जोड़ दो, डब्ल्यू आ जाएगा तेईस पर। ठीक है, एन कौन से नंबर पे आएगा, चौदह पे आएगा, बनाओ भाई इसका कुछ बन सकता है तो कुछ अच्छा सा देख। ओ माय गॉड, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे, खुशी का दिन। पापा की परी स्वीट 16, 16 साल से बड़ी ही नहीं होती है। ठीक है, ये केवल याद करने का तरीका है, किसी को शैतानी से चढ़ाना मत। ठीक है, पापा की परी स्वीट 16, 17 खतरा क्यों भाई क्यों, हमने इसको इस तरीके से याद किया हुआ है कि भाई 17 की उम्र होती है डिसीजन लेने की, कि कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है, कौन सी लाइन में जाना है, तो बहुत खतरनाक डिसीजन होता है लाइफ का। 17 खतरा क्यों भाई क्यों,
18, आर आता है 18 पे, एसटी में 19-20 का फर्क होता है, एसटी में 19-20 का फर्क होता है, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। T20 मैच तो याद ही होगा। युवराज बनते हैं 21-22 के उम्र में, युवराज ऐसे याद रखो, युवराज 21-22 की उम्र में बनते हैं, तो 21 के लिए आ जाएगा U, 22 के लिए आ जाएगा V, युवराज 21-22 की उम्र में बनते हैं, W तो हो गया। क्रिसमस ट्री एक दिन पहले लेकर आएंगे, भाई बर्थडे का केक एक दिन पहले आता है ना, रात में 12 बजे कटता है, क्रिसमस ट्री एक दिन पहले लाएंगे 24 तारीख को। Z लास्ट वाला लेटर है, 26वें नंबर पे आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत परेशानी कहीं से भी कहीं तक हो जाएगा आराम से। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, तो 14 नवंबर ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है, बढ़िया तरीके से याद कर लोगे इसको, हो गया, बड़ी जल्दी हो गया बच्चा। अभी कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अभी आप सोचो कि मैं आपके कमेंट पर फोकस करूं, तो अभी पहले आप इस पर फोकस करो, कुछ टाइम बाद में आपके कमेंट पर भी फोकस करूंगी, ठीक है। याद हो गए बढ़िया तरीके से, बता दोगे जल्दी से लिखकर, बताना जरा मेरे को एक बार फटाफट से बताओ, जिन जिन में थोड़ी कंफ्यूजन होती है वही नंबर पूछ लेती हूँ। 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ संख्या और आपको बताना है यहाँ पे लेटर अक्षर, जल्दी से फटाफट से बताओ 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, जल्दी से करके बताइए। हाँ नेक्स्ट कर सकते हो, कौनो दिक्कत नहीं थी, ठीक बा तब तो ठीक। 19 पे क्या आता है, तो 19-20 का फर्क होता है एसटी में, एस आ जाएगा 19 पे। मुझे बताइए यहाँ पे 17 पे कौन सा लेटर आता है, भाई हमने पढ़ा है पहले, उसको इंप्लीमेंट तो करके देखे कितनी चीजें तो समझ में आई है। 17 पे कौन सा अक्षर आता है, तो 17 वाली उम्र बाबू भैया खतरनाक, 17 खतरा क्यों भाई क्यों, 17 खतरा क्यों भाई क्यों। इसके बाद बताइए 22वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 22वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, इन्हीं में दिक्कत होती है, मोस्टली तो याद हो ही जाते हैं। युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, तो 22 पे कौन सा लेटर आता है, 22 पे वी आता है, युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में। बताइए 13 पे कौन सा लेटर आता है, 13 पे कौन सा लेटर आता है, मैं तेरा तो मैं या एम आता है 13 पे, ठीक है, बाकी तो मोस्टली याद ही रहते हैं, कुछ है जो थोड़े से आपको रिपीट करने होते हैं याद करने के लिए। तो ये थी लेटर की संख्या और ये थे अक्षर, ये याद हो गया फिर तो कुछ नहीं रखा, फिर तो आप बढ़िया से क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा था पहला ब्रह्मास्त्र कि भाई हमको ध्यान रहना चाहिए कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। दूसरा ब्रह्मास्त्र होगा कि हमें अपोजिट ABCD आनी बेहद जरूरी है, हमें विपरीत अल्फाबेट या विपरीत अक्षर का पता होना बेहद जरूरी है, अपोजिट अल्फाबेट कौन से अक्षर के अपोजिट कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। जब भी दो अक्षर की संख्या का योग 27 आए वो दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, जब भी कोई दो संख्या 27 का जोड़ बनाती हो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये भी आप लोगों को पता होगा, बस थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ। ABCDEFGHIJKLM, बस M तक ही ले लो, ये टोटल होते हैं 26 अक्षर, आधा आधा बांट दो 13-13, एम तक 13 बाकी की 13 इसके अपोजिट आ जाएंगे। कैसे याद रखेंगे, A to Z, ठीक है, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, कैसे याद रखेंगे A to Z। बाय द वे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था क्रैक्स खाओगे, नहीं बचपन में कभी क्रैक्स खाया होगा आपने, क्रैक्स खाओगे, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, आप इसे याद रख सकते हैं ई, या फिर ऐसे याद रख सकते हो लव से, क्या कह रहे हैं, लव तो याद रहता है। चलो
यहां भी आप देख सकते हो ई का अपोजिट वी होता है और एल का अपोजिट ओ होता है। वैसे हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कैसे, ईयू और लो चली में अपने देवर की बारात लेकर आ जाओ, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। याद करने का तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हो, शुरू के दो पीछे के दो पेयर फूक मार के उड़ा देंगे, क्या कर देंगे, फूक मार के उड़ा देंगे, ठीक है जी, ऐसे याद रख सकते हो आप। जीटी रोड किसके द्वारा बनाया गया था, जीटी रोड चलोगे घूमने, जीटी रोड से चलोगे घूमने। हाई स्कूल, जब भी कोई दो अक्षरों की संख्या 27 का योग बनाती है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस। आइस नहीं, आइसक्रीम तो नहीं होगा। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते। जोकर क्वीन क्या हो जाएगा इसमें, जोकर और क्वीन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट। कानपुर, कानपुर ए का अपोजिट पी हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया था या तो लव से याद रख लो या ऐसे याद रख सकते हो, लो चली में, ठीक है, तो कैसे भी याद रखो, लव से कर लो या तो लो चली में से कर लो। एल का अपोजिट ओ हो जाए। मन की बात, सब जाने सबके मन की बात, तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हो एम का अपोजिट एन। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, आपको ये भी याद होने चाहिए। अक्षर कौन से नंबर पे आता है ये भी याद होना चाहिए, बस खत्म कहानी। कोई भी अपोजिट लेटर को पकड़ लेना, दोनों का योग 27 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, टोटल एबीसीडी 26 होती है और टोटल रैंक 27 बनेगी, इसी वजह से दोनों की रैंक जब भी जोड़ोगे तो 27 ही दिखाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए आपके विपरीत अक्षर। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिए जो बेसिक पार्ट हमको पता होना चाहिए, वो सारी चीजों को हमने यहां पर देखा। अब हम करते हैं इसके बेसिक क्वेश्चन और फिर चलेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक आपने जो सीखा वो काफी है आपको कोडिंग डिकोडिंग समझने के लिए। शुरू करते हैं हम इसके बेसिक क्वेश्चन को, क्या आप तैयार हो, चलो बताओ फिर बिना ऑप्शन के, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, ऑप्शन आएंगे जब हम समझ चुके होंगे। यदि बैट को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है यदि बैट को डीसीवी लिखा जाता है तो बताइए नैप को क्या लिखा जाएगा, करो कोशिश करने की, बताओ। अल्फाबेट के नंबर याद है ना, बस कही रखा है। यदि बैट को डीसीवी लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा, करो जरा इसका उत्तर क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, अक्षर को अक्षर में ही बदला जा रहा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कैसी हो रही है, तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, अक्षर को अक्षर में ही बदला जा रहा है, अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कोड किया जा रहा है, ठीक है। जब भी अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कोड किया जाता है, अक्षर को अक्षर में ही कोड किया जाता है, तो इसकी भी बहुत सारी कंडीशंस होती है। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको सिंपल साधारण दे रखा हो। साधारण का मतलब क्या, आपको कोई भी वैल्यू लिखकर दे दी, जैसे सी ओ पी ए कोपा, और डायरेक्ट हो सकता है इसके नीचे जो लेटर दे रखा है उसका संबंध सीधे ऊपर वाले अक्षर से दे रखा, जैसे हमें पता है कोपा है, हो सकता है एक एक अक्षर आगे चले गए हो, सी के बाद डी आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद बी आता है, ये होता है सिंपल मेथड। जब ऊपर वाले अक्षर का सीधा सीधा बदलाव नीचे वाले अक्षर में हो रहा हो, वही चीज यहां पर हो रही थी। क्या हो रहा था, हमें दे रखा है यदि बैट को डीसीवी लिखा जाता है, बैट को लिखा गया है डीसीवी, बी आता है दो पर, ए वन पर, टी ट्वेंटी पर, डी आता है चार पर, सी तीन पर, वी बाईस पर, क्या हो रहा है दया इसके साथ,
दो में दो को जोड़ा चार, एक में दो को जोड़ा तीन, बीस में दो को जोड़ा बाईस, दो दो अक्षर आगे गए हैं, तो यहां पर भी सेम करो। एन 14 पे, ए 1 पे, पी 16 पे, 14 में दो को जोड़ेंगे 16 पर पी आ जाएगा, एक में दो को जोड़ोगे 3 पे सी आ जाएगा, 16 में दो को जोड़ेंगे 18 पे आर आ जाएगा, पी सी आर विल बी द राइट आंसर। बना था यही पीसीआर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं, पूरा करना पूरा, क्योंकि बहुत और भी अलग अलग तरीके के पैटर्न सामने आ जाएंगे। बताओ यदि बैट को ई डी डब्ल्यू लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा, ये सेकेंड क्वेश्चन है, करिए जरा फटाफट से। पहले आपको ढूंढना है क्या चल रहा है इसके साथ, और फिर मैं बता दूंगी कि क्या हो रहा है इस बेचारे के साथ। यदि बैट को ई डी डब्ल्यू लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नहीं है अभी तो फिलहाल, जो सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है उसको पकड़ के बता दो। बस ध्यान ये रखना, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग में कोड को डिकोड करते हो, मतलब पहचानते हो कि इसके अंदर हुआ क्या है, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले उन दो अक्षर के बीच में रिलेशन बनाना जो पास पास हो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जो अक्षर एक दूसरे के करीब हो, पहले उसमें रिलेशन बनाया जाता है, तो मतलब पहले हम उसी को देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बैट को लिखा हुआ है ई डी डब्ल्यू, हमें पता है लेटर देखना है कौन से नंबर पे, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। क्या हो रहा है दया, 2 में 3 को जोड़ा 5, 1 में 3 को जोड़ा 4, 20 में 3 को जोड़ा 23, 3 जोड़ा जा रहा है। एन 14 पे, ए 1 पे, पी 16 पे, 14 में 3 को जोड़ोगे 17 पे क्यों आ जाएगा, 1 में 3 को जोड़ोगे 4 पे डी आ जाएगा, 16 में 3 को जोड़ोगे एस आ जाएगा 19 पे, 19-20 एस टी का फर्क होता है, तो ये बन जाएगा उत्तर, क्यू डी एस विल बी द राइट आंसर। बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी, प्रीवियस निकालेंगे, पहले जब हम एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं तो पहले टॉपिक को समझो, समझो तो सही। गरम गरम हलवा खाने से मुंह जल जाता है कई बार, थोड़ा वेट करते हैं उसको ठंडा होने का, ठीक है। चलो क्लियर है, आया समझ में, आ जाओ नेक्स्ट और देखते हैं क्या चल रहा है इसके साथ। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि भाई जब कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर को अक्षर से बदला जाता है, जब अल्फाबेट को अल्फाबेट से बदला जाता है, तो यहां पर एक टाइप तो होता है सीधा सीधा, मतलब जो भी आपको कोड दे रखा है उसका रिलेशन सीधा सीधा नीचे वाले अक्षर से मिल जाएगा, इसे बोलते हैं सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। एक रिलेशन होता है रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग का, रिवर्स मतलब होता है उल्टी कोडिंग डिकोडिंग। कैसे होगा उल्टा कोड डिकोड, जब दिए गए लेटर का रिलेशन रिवर्स फॉर्म में नीचे वाले अक्षर के साथ बनेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमेशा उसी अक्षर से हम कोड को निकालेंगे जो आपस में करीब होते हैं, पास में होते हैं। तीसरा कोडिंग डिकोडिंग आता है जब पोजीशन चेंज होती है, दूसरा या तीसरा कोडिंग डिकोडिंग आता है जब स्थान में परिवर्तन होता है। स्थान में परिवर्तन कैसे, मैंने लिखा यदि कोल्ड को ओ एल सी डी लिखा जाता है, जब दोनों अक्षर आपको सेम दिखाई दें, इसका मतलब ये पोजीशन चेंज कोडिंग डिकोडिंग है, केवल स्थान में ही अंतर कर रखा है। सी को ले गए तीसरे नंबर पे, एल को ले गए दूसरे पे, ओ को ले गए पहले पे, डी वही का वही है, केवल स्थान में चेंज है और कुछ नहीं हुआ। एक होता है अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग, या जिसको कहा जाता है विपरीत कोडिंग डिकोडिंग। अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा,
जब दिए गए लेटर का संबंध उसके अपोजिट शब्द से दे दिया जाए, जैसे सी को लिख दिया जाए एक्स, डी को लिख दिया जाए डब्लू, टी को लिख दिया जाए जी, आपको पहचान लेना है कि सारे लेटर ऊपर वाले अक्षर के विपरीत है। हमने तभी तो वो चीजें पढ़ी पीछे। सिंपल में सीधा सीधा रिलेशन होगा, या तो वैल्यू को जोड़ा गया होगा, या वैल्यू को माइनस किया गया होगा, या वैल्यू को डिवाइड किया गया होगा, या वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया होगा, लेकिन जो भी किया है सीधे का सीधे में किया है। रिवर्स में उल्टा हो जाएगा। पोजिशन में सेम लेटर ऊपर नीचे, केवल स्थान का अंतर है। विपरीत में अपोजिट एबीसीडी आ जाती है। आ रहा है? कितना आ रहा है वो तो अभी दिखेगा। चलो, यदि बैट को किसी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया आपको, ये बताइए जरा, यदि बैट को किसी प्रकार से यू बी सी लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? जरा देखें कितना आया है, समझो। यदि बैट को यू बी सी लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? पहले दिमाग में क्या ट्रिक कर रहा है, आप मुझे वही उत्तर बता दो। ये बहाने मत बनाना कि मैम इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, अभी हम बेस समझ रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। यदि बैट को टी बी सी यू बी सी लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? शुरू करें। यू बी सी दे रखा है बैट के लिए। मैंने बोला जो लेटर जिसके ज्यादा नजदीक है उसको पकड़ लो। बी आता है दो पे, ए वन पे, टी ट्वेंटी पे। यू आता है 21 पे, बी दो पे, सी तीन पे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, क्या मैम हमें हमेशा नंबर लिखना होगा? नहीं, अभी आप केवल सीख रहे हैं तो आप नंबर को याद करेंगे। एक बार सीख जाओगे बिना किसी नंबर को लिखे, आपका क्वेश्चन दिमाग में ही हल हो जाएगा। दो के पास या तो दो पढ़ रहा है या तो तीन पढ़ रहा है, मुझे सेम लेटर सीक्वेंस में चाहिए कोड डिकोड। 20 के पास 21 पढ़ रहा है, तो भाई 20 में एक को जोड़ा 21 आ गया, एक में एक को जोड़ा दो आ गया, दो में एक को जोड़ा तीन आ गया। ये रिवर्स एबीसीडी या रिवर्स कोड डिकोड दे रखा है। लेफ्ट से राइट एक एक नंबर को जोड़ा जा रहा है। उठा लो यहां पे एन 14 पे, वन पे, पी 16 पे। लेफ्ट से राइट एक एक नंबर को जोड़कर लिखना है। 16 में एक को जोड़ोगे 17 पे आ जाएगा क्यू, एक में एक को जोड़ोगे दो पे आ जाएगा बी, 14 में एक को जोड़ेंगे 15 पे आ जाएगा ओ माय गॉड क्यू बी ओ ऑप्शन। तो खैर खाई नहीं, क्यू बी ओ विल बी द राइट आंसर। आ रहा है? देखो बन तो रहे हैं आपके, सभी के बन रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्यू बी ओ विल बी द राइट आंसर। आ जाओ जरा पहचानो इसको, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि बैट को डब्ल्यू डी ई लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? यदि बैट को डब्ल्यू डी ई लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? करिए जरा एक बार जल्दी से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता। बिल्कुल, मैंने बोला ना हम सारे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे ए टू जेड। करिए जल्दी से, बताइए इसका उत्तर क्या आ सकता है। आखिर आपकी नजरों में, पहली नजर में देखते ही कैसा लग रहा है इसे? 25 सेकंड काफी थे। बैट को लिखा गया डब्ल्यू डी ई, क्या लिख रहा है ये? यदि बैट को डब्ल्यू डी ई लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? बी आता है दो पे, आता है वन पे, टी आता है 20 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे। क्या हो रहा है? बड़े लेटर को पकड़ लो, उसको पकड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। 20 के पास होता है 23, 20 में 3 को जोड़ा 23 आ गया, 1 में 3 को जोड़ा 4 आ गया, 2 में 3 को जोड़ा 5 आ गया। रिवर्स अल्फाबेट नंबर जोड़े गए हैं। हो सकता है माइनस भी किए जाते हैं, हो सकता है डिवाइड भी हो जाता है, मल्टीप्लाई भी, पर रिवर्स में हो रहा है। 14, 1, 16, तीन तीन नंबर जोड़ना है। 16 में 3 को जोड़ोगे 19, 19 20 का फर्क होता है एस्टिमेट। एक में तीन को जोड़ेंगे 4, 4 पे आता है डी। 14 में 3 को जोड़ोगे 17, 17 पे आता है क्यू, 17 खतरा क्यू भाई क्यू, एस डी क्यू विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस डी क्यू बिल्कुल सही जवाब होगा। आ जाओ करो इसे, पहले मैं सारे के सारे करवा दूं आपको जितने भी बन रहे हैं, उसके बाद ही चलेंगे फिर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ठीक है, आओ जरा करो इसे।
करी फटाफट से बताइए यदि किसी प्रकार से बैट को, हमने एक ही शब्द पकड़ा हुआ है बैट, बैट को लिखा जाता है वाई जेड जी, तो नैप को क्या लिखा जाएगा? बैट को लिखा जाता है वाई जेड जी, तो नैप को क्या लिखा जाएगा? करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। शुरू करें, आ जाओ। बैट को लिखा गया वाई जेड जी, क्या कह रहे हो मैडम? ये देखते ही पता चल रहा है क्या? या पॉजिटिव बी सी डी, भाई चाहो तो नंबर भी लिख लो, 2, 1 और 20। वाई आता है 25 पे, जेड आता है 26 पे, जी 7 पे, नंबर को जोड़ लो 27 बना रहा है। हालांकि वो भी नहीं करना था, डायरेक्टली दिखाई दे रही है ये अपोजिट एबीसीडी है। बाय द वे ए टू जेड जी टी रोड, हमें अपोजिट विपरीत अल्फाबेटिकल या विपरीत अल्फाबेट दे रखे हैं। एन का अपोजिट मन की बात, ए का अपोजिट ए टू जेड, पी का अपोजिट कानपुर, आंसर हो जाएगा एम जेड के। हमें दी गई वर्णमाला या दिए गए अल्फाबेट अपोजिट विपरीत थे, ठीक है? क्या बन जाएगा? एम जेड के बन जाएगा। आ जाओ जरा एक चीज और देख ले, ठीक है? अभी एक एक दो चीजें मिसिंग है, वो मैं आपको लिखवा के बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, अगर क्वेश्चन दिया जाए कुछ इस प्रकार से, यदि कोल्ड को किसी प्रकार से लिखा जाता है क्या, कोल्ड को किसी प्रकार से डी सी एल ओ लिखा जाता है, ठीक है? और मेयर को किसी प्रकार से, मेयर को किसी प्रकार से क्या लिखा जा रहा है? मेयर को किसी प्रकार से ई एम आर ए लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है हेट को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है हेट को क्या लिखा जाएगा, बताओ जरा एक बार फटाफट से। कोल्ड को डी सी एल ओ लिखा जाता है, मेयर को ई एम आर ए लिखा जाता है, तो हेट को क्या लिखा जाएगा? करिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, हमने पीछे देखा एक और टाइप इसके अंदर क्या होता है, जब सेम लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जब सेम लेटर कोड में भी है और डिकोड में भी है, तो पोजीशन चेंज होती है। जब सेम लेटर आपको दोनों जगह दिखाई दे, तो या तो पोजीशन को चेंज किया गया होगा या फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अक्षरों को लगाया गया होगा, या तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार अक्षरों को लगाया गया है या फिर पोजीशन को चेंज किया गया है। वर्णमाला के क्रम के अनुसार तो नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले एबीसीडी पढ़ते समय सी आता है, दे डी रखा है, इसका मतलब केवल पोजीशन चेंज की है। क्या किया गया है? लास्ट वाला लेटर पहले लिख दिया, लास्ट वाला लेटर पहले लिख दिया, तो हम भी लास्ट वाला लेटर पहले लिख देंगे। दूसरा लेटर सबसे लास्ट में है, दूसरा लेटर सबसे लास्ट में है, तो हम भी दूसरा लेटर सबसे लास्ट में लिख देंगे। जो सेम कोड ऊपर हो रहा है वो नीचे कर दो। पहले वाला लेटर दूसरे नंबर पे है, पहले वाला लेटर दूसरे नंबर पे है, तो पहले वाले लेटर को दूसरे नंबर पे लिख देना, बाकी जो बचा वो तीसरे पे आ गया, क्या बन जाएगा? ई एच टी, क्या बन जाएगा? ई एच टी। तो बस इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। सेम इसको ऐसे भी दे सकता था ये, अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं, सेम इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था। यहां तो पोजीशन को चेंज करके दे दिया गया है। पहले जितने बन सकते हैं हम उन सभी तरीके को देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। सेम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता था, यदि कोल्ड को सी डी एल ओ लिखा जाता है, मेयर को ए ई एम आर लिखा जाता है, तो आपको बताना है हेट को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है हेट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ले लो अगर चाहिए तो, हेट को क्या लिखा जाएगा? हेट को ए टी एच ई लिखा जाएगा, हेट को ए ई एच टी लिखा जाएगा, हेट को टी एच ए ई लिखा जाएगा,
या हेड को AETH लिखा जाए? बताओ जरा एक बार फटाफट से, करिए जल्दी से। ये केवल अभी हम अक्षरों को अक्षरों में चेंज कर रहे हैं, अभी तो जब नंबरों में चेंज करेंगे तो और चीजें सामने आ जाएंगी। कोल्ड को लिखा गया CDLO, मेयर को लिखा गया AEMR, तो हेड को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। जब भी सेम लेटर मिलेंगे, सेम अक्षर आपको लेफ्ट साइड भी दिख रहे हैं और राइट साइड भी दिख रहे हैं, जब भी सेम लेटर दिखाई देंगे या तो पोजीशन चेंज होगी या वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया गया होगा। अगर मैं पोजीशन देखूं तो यहां तो पहले वाला अक्षर पहले नंबर पे है, पर यहां पर पहले वाले अक्षर को तीसरे नंबर पे भेज दिया, ये कैसे हो गई भाई? दोनों में सेम कोड डिकोड होना चाहिए था ना, यहां पर तो गड़बड़ है दया। जब भी आपको पोजीशन में कुछ हल्का हल्का डाउट होने लगे तो चेक कर लेना क्या वो अल्फाबेट के क्रम के अनुसार है। कोल्ड में सबसे पहले ABCD पढ़ते समय पहले सी आता है, फिर डी आता है, एल आता है, ओ आता है। ABCD पढ़ते समय क्रम में मेयर के अंदर पहले ए आता है, ई आता है, एम आता है, आर आता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया है। ABCD में हेड के अंदर सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? ए आएगा। ए के बाद ई आएगा पांचवें नंबर पे, एच आएगा आठवें नंबर पे, सबसे लास्ट में टी आएगा। दिए गए अक्षर को केवल और केवल वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया गया है, तो यहां पर जो कोड डिकोड हुआ है हमारा ये वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यहां पर जो कोड डिकोड हुआ है ये वर्णमाला के क्रम के अनुसार है, मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाया गया, ठीक है। चलो तो यहां तक हो जाते हैं हमारे, अगर लेटर से लेटर को चेंज किया जाता है तो आगे चलते हैं। यदि अल्फाबेट को संख्या में बदला जाए तो उसे किस तरीके से किया जाएगा? यदि अल्फाबेट को किसी प्रकार से नंबर में चेंज कर दिया जाए तो आप वहां पर किस प्रकार के टेक्निक को लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं? टेक्निक एक ही है, बेस। बेस क्लियर है, सारे अक्षरों के नंबर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। यदि बैट को 23 लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? करिए जल्दी से, अक्षर को नंबर बना दिया गया, बैट को 23 तो नैप को क्या लिखा जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। वो देखो कितने गलत हो रहे कितने सही, हालांकि गलत सही की बात नहीं है, आज तो एक तरीके से आप पूरे चैप्टर को देख रहे हो, ठीक है, तो एक पूरा चैप्टर हो रहा है, तो पहले समझ लो। गलत सही की बात करेंगे हम जब आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। बैट को 23 तो नैप को क्या, पहले बैट को पकड़ लेते हैं, बैट में बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, मुझे पता है सारे नंबर को जोड़ दो 23 आ जाएगा। भाई मुझे जो नंबर है वो इस आसपास दिखाई दे रहा है, मैंने सारे को जोड़ दिया 20, 1, 21, 2, 23। एन आता है 14 पे, ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, सबको जोड़ दो क्या आएगा? 16 4 20 10 30 और 1 31 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम ऑप्शन पे जा ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं पहली नजर में जो चीजें लग रही है ना, 31 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि बैट को किसी प्रकार से 69 लिखा जाता है तो बताइए नैप को क्या लिखा जाएगा? यदि बैट को 69 लिखा गया है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? करिए जरा एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। हाँ जी, 31 31 31 31 बिल्कुल सही जवाब था। करो जल्दी से भाई, बैट को लिखा 69 तो नैप को क्या, क्या ये 69 23 के आसपास दिखाई दे रहा है? अभी हमने 23 निकाला था ना, हाँ जी दिखाई दे रहा है, तो क्या किया गया इसमें? बी 2 पे, 1 पे, टी 20 पे, पहले सारे लेटर को जोड़ लिया 20 1 21 2 23, 23 को 69 बनाना है, कैसे बनाओ? 23 की 3 में गुणा कर दो, 3 3 9 3 2 6 कितना आ गया? 69। अब ये 3 कहां से आया? या तो अपनी तरफ से ले लिया होगा या फिर बैट में 3 अक्षर हैं तो इसलिए यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इधर कर लो सेम, एन आता है 14 पे, ए 1 पे, पी 16 पे,
सारे नंबर को जब आप ऐड कर लोगे 31 आ जाएगा। यहां पर भी तीन की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीन ही अक्षर हैं, ठीक है। तीन एकम तीन, तीन दिया नौ, 93 विल बी द राइट आंसर। आंसर आ जाएगा क्या? 93। बढ़िया था। आ जाओ आगे। यदि बैट को लिखा जाता है वन तो नैप को क्या लिखा जाएगा? इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ। यदि बैट को वन लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा बताओ? 0, 2, 1, 3 क्या होगा इसका उत्तर? किसी प्रकार से बैट को वन लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? अभी तो आपका एक और मोस्ट फेमस क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, चलो मोस्ट फेमस कुछ टाइम बात करते हैं ना, पहले इसको देख लेते हैं। बताइए जी, बैट को वन लिखा गया तो नैप को क्या लिखा जाएगा? अब इस बैट का वन से क्या संबंध है? एक कैसे आया होगा? यही तो तर्क लगाना है। ये एक आया तो आया कैसे? इन सबको जोड़कर तो 23 आ रहा था। हो सकता है तीन में से दो को घटा दिया गया हो, उन सबको जोड़कर 31 आ रहा था, तीन में से घटा दो, दो आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन करने से पहले हमें रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग कहते हैं तर्क शक्ति, जो तुरंत देखते के साथ ही आप निकाल सको उत्तर को। तो जब हम तुरंत इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है, वॉवेल की संख्या। भाई वॉवेल यहां पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप स्वर को देखो कितने वॉवेल होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहलाते हैं। बैट में केवल एक ही वॉवेल की संख्या है। जितने वॉवेल या जितने स्वर की संख्या है उतना ही नंबर आगे दे रखा है, ठीक है। नैप में भी केवल एक ही स्वर की संख्या है, केवल एक ही वॉवेल है, तो यहां पर भी उत्तर एक ही आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा एक और चीज, चलो ये तो हो गई ये वाली बात। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने चेंज करने की कोशिश की होती, इस क्वेश्चन में अगर वो थोड़ा सा चेंज कर देता, और थोड़ा सा क्या चेंज करता? वो केवल ऑप्शन में चेंज कर देता, आपको वो ऑप्शन में वन देता ही नहीं, वो ऑप्शन में दे देता 9, तो बताओ क्या आंसर होता? भाई हर केस को लेकर देखते हैं ना, एग्जामिनर थोड़ी ना हमेशा वही क्वेश्चन देगा, कुछ चेंज कर दे। तो यदि बैट को वन लिखा गया तो नैप को क्या लिखा जाएगा? अब पहली नजर वाला ऑप्शन ही नहीं है, वन ही नहीं दे रखा, फिर बताओ क्या होगा इसका आंसर, और कैसे होगा ये भी बताना। करिए जल्दी से, आज क्लास जल्दी होगी भाई लोग। क्या भाई लोग? बच्चा मैंने कल बताया था, कल मैंने सबको बताया था, जो ऐप वाले हैं वो भी और जो यूट्यूब वाले हैं वो भी। चलो बैट को वन तो नैप को क्या? अब यहां पर फंस गए, पहली नजर का काम ही नहीं चल रहा, वॉवेल वाला केस दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें एक ही वॉवेल है और ऑप्शन में दे नहीं रखा। अब यहां पर आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने बताया पहले। भाई बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, तीनों को जोड़कर कितने आ गया था? 23। इन दोनों संख्या का अंतर निकाल दिया तो तीन में से दो गया, एक बचेगा, माइनस के बाद पॉजिटिव लिखा हुआ है, केवल अंतर निकाला, ठीक है। एन आता है 14 पे, 1 पे, पी 16 पर, जोड़कर आ गया था 31। यहां पर भी अंतर निकाल लेना दोनों नंबर का तो उत्तर आ जाएगा 2। अब ये आपको पहचानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। भाई पहली नजर है तो वॉवेल की संख्या देखकर निकाल दो, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा तो फिर जोड़ने के बाद देखो, या तो संख्या जोड़ी गई होगी या घटाई गई होगी। यहां पर ये 5 भी दे सकता था, 2 में 3 को जोड़कर 5 आ गया, तो यहां पर भी 31 में 3 में 1 को जोड़कर 4 आ जाता। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन को डिकोड कर सकता है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। बताइए यदि बैट को 12 लिखा जाता है तो नैप को क्या लिखा जाएगा? या मैं तो बोलूंगी नैप की जगह कोई और कुछ और ले लेते हैं, नैप की जगह ले लेते हैं हम क्या? मोर को क्या लिखा जाएगा? नैप की जगह ले लेते हैं, मोर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ले लीजिएगा आपके स्क्रीन के सामने, करिए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो सकता है? 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा या 13 हो जाएगा? करो जरा इसको भी जल्दी से,
किसी प्रकार से बैट को 12 तो मोर को क्या लिखा जाएगा? करिए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। भाई पहली नजर वाला दिख रहा है तो वही आंसर होगा। हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ लो, ये कौन है? पुनीत, रेनू को बाद में बोल देना कुछ, पहले पढ़ लो, करो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कर तो रहे हो, क्या हो गया? बन रहा है 16 16 22 22, कैसे बन रहा है? 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं। भाई हमने इन सभी लेटर को देखा, मुझे समझ में आ रहा है क्या, ये 12 कैसे आ सकता है? कैसे 12 आया कैसे? पहली नजर मुझे तीन अक्षर दे रखे हैं, कितने हैं? तीन लेटर दे रखे हैं। उन तीन लेटर में एक तो वोवेल है, बाकी दो व्यंजन है। तो पहले वोवेल की संख्या दे दी, कितने स्वर है? एक स्वर है। फिर व्यंजन की संख्या लिख दी, कितने कॉन्सोनेंट है? दो कॉन्सोनेंट है। तीन अक्षर में से एक वोवेल और दो कॉन्सोनेंट। मोर में देखो, मोर में पहले मुझे वोवेल की संख्या लिखनी है, कितने वोवेल दिखाई दे रहे हैं? दो, ओ और ई। तो वोवेल की संख्या दो है। कितने कॉन्सोनेंट है? एम और आर, दो कॉन्सोनेंट है। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन इस पैटर्न पर आया हुआ है एग्जाम, ठीक है, समझ रहे हो? तो केस आपका वोवेल कॉन्सोनेंट का भी मोस्टली काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना है वोवेल होते हैं 5 ए ई आई ओ यू, बाकी सारे लेटर कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो जाते हैं। क्लियर है? हो जाएगा? अब मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ क्वेश्चन पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए तो यहां तक तो हमने कर लिया पूरा बेसिक अपना क्लियर। अब हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ कह लो आप। अब हम लोग करने वाले हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ऑप्शन, तो इसमें ज्यादा मजा आएगा, विद ऑप्शन आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? कोशिश करेंगे, हो सके बिना कॉपी पेन के तो बढ़िया है, नहीं तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है? शुरू करते हैं फिर, ये था हमारा बेस, अब आते हैं इसकी आगे की चीजों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ही रहा, करिए जरा फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दिख रहा है क्वेश्चन? बढ़िया तरीके से करो। किसी प्रकार से आर्ग्यू को, ARGUE, किसी प्रकार से आर्ग्यू को YPESC लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी प्रकार से डायग्राम को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से करिए, अभी पहला क्वेश्चन है, 50 सेकंड का समय मिल जाएगा। करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जल्दी से करना स्टार्ट करो। करिए जल्दी से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ। अब यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाता है, अगर ऑप्शन दे रखा होता है तो ऑप्शन से और आसान हो जाता है क्वेश्चन को जल्दी करना। पहले वाले में देख लो क्या रिलेशन है, दूसरे वाले में उसी को लगा देना। ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, जी 7 पर, यू 21 पे, ई 5 पर, वाई 25 पर, पी 16 पर, ई 5 पर, एस 19 पर और सी 3 पर। नंबर याद है, बहुत बढ़िया बात है। सारे लेटर को ध्यान से देखा तो पता चला दो दो संख्या पीछे जा रहे हैं, ठीक है? 18 में से 2 गया 16, 7 में से 2 गया 5, 21 में से 2 गया 19, 5 में से 2 गया 3। अब बोलोगे 1 में से 2 गया 25 कैसे आएगा? टोटल ABCD 26 होती है, A 1 पे आता है, 26 में 1 को जोड़ोगे 27। A को मैं 1 भी बोल सकती हूँ, 27 ही बोल सकती हूँ। मेरे को 25 पे Y बनाना है, 27 में से 2 गया 25 आ जाएगा। तो यही पैटर्न लगता है जब संख्या 1 2 3 4 में से माइनस की जाती है, ठीक है? बस दो दो को घटाना और कुछ नहीं। डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, 4 में से 2 गया 2 पे बी आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 पे जी आ जाएगा। बी जी से शुरू होने वाला केवल एक ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना। हमने पैटर्न ढूंढा, बिल्कुल सही है। शुरू के कोई भी अक्षर जो भी आपको अलग दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर दिखाई दिया, मैं अगर शुरू के 2 अक्षर ढूंढ लूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। शुरू के 2 अक्षर को ढूंढ लो, आंसर करो, आगे बढ़ जाओ। रीजनिंग का मतलब कम समय में ज्यादा नंबर गेन करना। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं लिखूंगी नहीं, तो पहली बार मैंने बताया लिखकर, आपको करना पड़ेगा झटपट।
यदि डिस्प्ले को किसी प्रकार से BLQSJDW लिखा जाता है, ये ज्यादा लेटर नहीं लिख दिया इसने, तो आपको बताना है प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। करो जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करिए जल्दी से, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुरू के तीन लेटर पकड़ने, बस हमें ऑप्शन को देखते समझ जाना करना क्या है आपको, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर मुझे किसी तरह शुरू के तीन लेटर पकड़ में आ जाएं तो मैं अपना आंसर झटपट निकाल लूंगी, इतना टाइम ही नहीं लगेगा। आ जाओ, इसने बोला यदि किसी प्रकार से डिस्प्ले को, यदि किसी प्रकार से डिस्प्ले को BLQSJDW लिखा जाता है तो आपको बताना है प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। आपको बताना है प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। आ जाओ देख लो, डी आता है 4 पे, आई 9 पे, एस 19 पे आता है, पी 16 पे, एल 12 पे, A1 पे, बी वाई 25, बी 2, एल 12, क्यू 17, एस 19, जे 10, डी 4 और डब्ल्यू 23। सीधा सीधा बन रहा है पैटर्न, देखो जरा 25 में से गया 2, 1 में 3, अच्छा माइनस 2 प्लस 3 चल रहा है। 4 में से 2 गया 2 आ गया, 9 में 3 को जोड़ा 12, 2 घटाया 17, 3 जोड़ा 19। हमें केवल शुरू के 3 ही पकड़ने हैं, प्लस माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, केवल इतना कर लो। शुरू के 3 लेटर पकड़ने हैं झटपट। पी आता है 16 पे, आर 18 पे, ओ 15 पे, 16 में से 2 गया 14 पे आ जाएगा एन, शुरुआत होगी एन से, ओके। 18 में 3 को जोड़ा 21, 21 पे आता है युवराज, युवराज बनते 21 22 की उम्र में, ओके ये गया बचा केवल 2। 15 में से 2 गए बचेगा 13, 13 पे आता है एम, मैं तेरा, एन यू एम से केवल ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, आंसर करके आगे निकल जाना, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बना क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, करिए जरा इसको भी जल्दी से फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपको, यदि लीडर को PIEHIV लिखा जाता है, यदि किसी प्रकार से लीडर को PIEHIV लिखा जाता है तो आपको बताना है लाइट को क्या लिखा जाएगा। आपको बताना है लाइट को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करो जरा करके इसको भी जल्दी से फटाफट से करो, अभी तो मैं देख रही हूं कि आप क्या आंसर्स का निकाल पा रहे हो, क्या बन रहा है मतलब यहां पे। यदि लीडर को लिखा गया PIEHIV तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। सारे के सारे अक्षरों के नंबर याद हैं, अब तो हो जाने चाहिए। एल आता है 12 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, पी 16, आई 9, ई 5, एच 8, आई 9, वी 22। क्या हो रहा है दया, देखो ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है, चार चार नंबर जोड़ा जा रहा है। पी 16 पे आता है, जब नाश्ता किए बिना आप क्लास में आते हो और बैठ के पढ़ते हो तो आपको 16 19 दिखने लगता है, सुबह सुबह नाश्ता करके क्लास में आया करो। 12 में 4 को जोड़ा 16, 5 में 4 को जोड़ा 9, 1 में 4 को जोड़ा 5, 4 में 4 को जोड़ा 8, 5 में 4 को जोड़ा 9, 18 में 4 को जोड़ा 22, 4 4 को ऐड कर रखा कुछ नहीं। मेरे को शुरू के 3 अक्षर बता दो, 3 तो नहीं चाहिए भैया मुझे, या लास्ट के 3 बता दो, ना ना पूरा पढ़ना पड़ेगा इसे तो, क्योंकि दो दो कॉमन आ रहा है ना, बना लो चार चार जोड़ना है। एल आता है 12 पे, 4 को जोड़ेंगे 16 पे क्या आ जाएगा, तो 12 में 4 जोड़ो 16 पे आ जाएगा पी, शुरुआत पी से होगी, ये गया एलिमिनेट हो गया। इन दोनों को ध्यान से देखो, लास्ट के 2 अक्षर निकाल लो उत्तर आ जाएगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही तो लगाना है आपको, लास्ट के 2 लेटर निकाल लो केवल, शुरुआत तो पी से ही हो रही है। 8 में 4 को जोड़ोगे 12 पे आ जाएगा एल, लव करके 12 बच जाते हैं। T20, 20 में 4 को जोड़ोगे 24, क्रिसमस ट्री लेकर आएंगे एक दिन पहले, एलेक्स से होगा एंड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर, ए विल बी द राइट, समझ रहे हो भाई, शुरुआत पी से होगी, 2 तो एलिमिनेट हो गए, बच गए 2, इनके लास्ट के 2 अक्षर निकाल लो,
पूरा सॉल्व नहीं करना, ये बहुत काम आती हैं चीजें जब एक बार बैठ जाएगी आपका हाथ, कहते हैं दिमाग जब पकड़ना शुरू कर देता है काफी टाइम बचते हैं क्वेश्चन के अंदर। करना जरा क्वेश्चन नंबर 5 को। चलो करिए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से हेल्थ को लिखा जाता है GSKDJ तो बताइए नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। करो इसको फटाफट से। यदि किसी प्रकार से हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। करो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आई थिंक 40 सेकंड काफी रहने चाहिए। पहचानो कौन सा पैटर्न है, फिर लगाना शुरू करो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए उत्तर क्या होगा, शुरू करते हैं इसको बनाना। इसने बोला यदि किसी प्रकार से हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है तो आपको बताना है नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा या नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। जो अक्षर जिसके ज्यादा करीब है उसको पकड़ लो। एच आता है 8 पे, 5 पे, 1 पे, एल 12 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, जी आता है 7 पे, एस 19 पे, के 11 पे, जेड 26 पे, डी 4 पे और जी 7 पे। जो लेटर जिसके नजदीक है पकड़ लो। 8 के नजदीक 7 आ रहा है माइनस के 1 पर, 5 में उड़ी बवा 19 बना रखा है इसने, 14 जोड़ा हुआ है, ये तो ना हो सके ना। 1 का 11 बनाया 10 जोड़ के 12 में, ये क्या कर रहा है, सीधा सीधा तो पैटर्न गड़बड़ दिख रहा है, फिर क्या करें इसको, देखो उल्टा सीधा बनाने की। एच के पास जी आ रहा है, शुरू वाला भी लास्ट वाला भी, अगर मैं लास्ट वाला पकड़ू तो 8 में से 1 को घटाया 7 आ गया, 5 में से 1 को घटाया 4 आ गया, ए में से 1 को घटाया 26 आ गया, एल 12 में से 1 को घटाया 11, 20 में से 1 को घटाया 19, 8 में से 1 को घटाया 7। यहां पर -1 -1 -1 हो रहा है और वो भी किस फॉर्म में हो रहा है, रिवर्स करके, उल्टा करके। यहां पर भी सेम कर दो, 14 15 R 18 T 20 और H 8 पे आ जाएगा, -1 करना है। N में से 1 घटाया 14, या N से पहले क्या आता है, M आता है, O से पहले क्या आता है, N आता है। भाई अब आपको नंबर याद है ना, तो कहीं बार बार लिखना, अब डायरेक्ट करो इसको पुट। NM लास्ट में कहां दिखाई दे रहा है, NM केवल एक ही ऑप्शन में, आंसर करके भाग जाओ। भाग जाओ मतलब अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है भाई। मेरे को लास्ट के दो लेटर मिल गए N और M, केवल मेरे पास NM ऑप्शन D में है, तो मैं कहीं टाइम लगाऊं उस पर। अब हमारी ये ना मेंटेलिटी बन जाती है कि हमें पूरा करने की आदत पड़ती है, हम पूरा करेंगे सॉल्व, हम कोई कहते ना चांस नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो चांस नहीं आपका टाइम चला जाता है, फिर आप आगे दिक्कत होती है आपको आगे के पोर्शन को सॉल्व करने की, तो ध्यान रखना उस चीज को, ठीक है। पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 18 में से 1 जाएंगे 17 पे क्यों आ जाएगा, 20 में से 1 जाएंगे 19 पे एस आ जाएगा, एच में से 1 जाएंगे 7 पे जी आ जाएगा, बट इस पूरे को करने का कोई फायदा नहीं ना, जब मुझे आंसर पहले मिल गया था। आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा अब आगे चलने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, ठीक है, आगे चलने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप लेना चाहते हैं रीजनिंग का स्पेशल रीजनिंग का बैच, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं रीजनिंग का स्पेशल बैच, तो मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए रीजनिंग का स्पेशल बैच रफ्तार के नाम से, ठीक है। हम रीजनिंग को रफ्तार से करने वाले हैं। रफ्तार का मतलब होता है रीजनिंग के बहुत सारे पोर्शन है जो आप मोस्टली हमको आते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को कितनी जल्दी करें कि वहां कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर सके और सही कर सके, ठीक है। तो उन सभी चीजों के साथ लेटेस्ट पैटर्न या लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के, उन सभी के साथ मैं लेकर आ रही हूं एक बैच रफ्तार बैच के नाम से, जो आपको मिलने वाला है 499 रुपीज में। 60% का ऑफ मिलेगा, तो खरीदते समय आपको लगाना है कोड प्रीति 6060। 60% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है इस बैच पे, ठीक है। जल्दी ही क्लासेस इसकी शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप अभी ले रहे हो तो 60% का ऑफ आपको इस पर दिया जा रहा है, ठीक है। रफ्तार के नाम से होगा, मतलब इस पे बात हमारी रफ्तार की ही होगी, हर एक चैप्टर आपको इस पे करवाया जाएगा, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखेंगे, पढ़िए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या हो सकता है। यदि किसी प्रकार से हार्वेस्ट को लिखा जाता है वी यू जी एक्स टी सी जे, तो आपको बताना है फार्मर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बताओ। यदि किसी प्रकार से हार्वेस्ट को, जल्दी से उत्तर देना है कि कोशिश करिए, यदि किसी प्रकार से हार्वेस्ट को वी यू जी एक्स टी सी जे लिखा जाता है तो आपको बताना है उसी प्रकार से फार्मर को क्या लिखा जाएगा। शुरू के पहले शुरू का एक लेटर पकड़ो, फिर बाद के तीन लेटर पकड़ लो, उत्तर आ जाएगा। करिए जल्दी से फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। खुशी बताओ जल्दी से इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या हो रहा है दया इसके साथ, क्या कह रहे हो? बहुत कुछ हो रहा है मैडम इसके साथ। जो लेटर जिसके करीब है उसको पकड़ लो, जैसे एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, वी आता है 22 पे, यू आता है 21 पे, जी आता है 7 पे, एक्स आता है 24 पे, टी आता है 20 पे, सी आता है 3 पे, जे आता है 10 पे। कुछ दिखाई दे रहा है दया? बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे 8 के पास मुझे या तो 7 दिखाई दे रहा है, या तो 3, या तो 10। पेयर बना, अगर मैंने 8 में एक को हटा के 7 बना दिया तो 18 में यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, तो 2 × 4, और फिर 1 का 21 बना दिया, ये तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर मैंने 8 का रिलेशन 3 के साथ बनाया, 8 में से 5 को घटाया 3, तो किसी संख्या में 5 हटा के कोई लेटर बन रहा है क्या? नहीं। अगर मैंने 8 का रिलेशन 10 से बनाया, 8 में 2 को जोड़ा 10, 1 में 2 को जोड़ा 3, 18 में 2 को जोड़ा 20, 22 में 2 को जोड़ा 24, बन गया रिलेशन। यहां पे रिवर्स फॉर्म में अल्फाबेट को लिखा गया है, दो दो जोड़कर। 8 में 2 को जोड़ा 10, 1 में 2 को जोड़ा 3, 18 में 2 जोड़ा 20, 22 में 2 जोड़ा 24, 5 में 2 जोड़ा 7, एस 19 में 2 जोड़ा 21, 20 में 2 जोड़ा 22। ठीक है, मतलब रिवर्स करके दो दो को ऐड किया गया है, केवल इतना ही किया गया है दया। पहला लेटर पकड़ लो, लास्ट के दो पकड़ लो। चलो एफ आता है 6 पे, 6 में 2 को जोड़ोगे 8 पे क्या आ जाएगा? 8 पे आ जाएगा आपका एच, लास्ट में एच सभी के अंदर है। 1 में 2 को जोड़ोगे 3 पे सी आ जाएगा, लास्ट में सी और एच होगा, ना तो ये हो सकता ना तो ये हो सकता, हट गया। मेरे पास बचे दो ऑप्शन, शुरू वाला लेटर निकाल दो उत्तर आ जाएगा, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में दिखाई दे रहा है 18, 18 में 2 को जोड़ोगे 20 पे आ जाएगा टी, शुरुआत टी से लास्ट में सी एच, शुरुआत टी से लास्ट में सी एच, केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे किया था या पूरा क्या था? क्लियर है चीजें? और ये पता चल जाएंगी, अब तो खैर आप कर ही रहोगे आंखों ही आंखों में, अगर अभी आंखों आंखों में नहीं हो रहे तो 10 क्वेश्चन के बाद आंखों ही आंखों में होने शुरू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट। यदि किसी प्रकार से बीट को एस डी डी ई लिखा जाता है, यदि किसी प्रकार से बीट को एस डी डी ई लिखा जाता है तो बताइए माइल्ड को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए फटाफट से बताइए इसके लिए क्या होगा इसका उत्तर, करो जल्दी से, फिर आगे और भी चीजें हैं सीखने के लिए। करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। शुरू करें, काफी है ना? नंबर लिख दो अल्फाबेट के, जो अक्षर जिस अक्षर के नजदीक है उसी को पकड़ लेना। बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, एस आता है 19 पे, डी आता है 4 पे, डी 4 पे, 5 पे, कौन सा किसके नजदीक है भाई? कैसे बना सकती हूं मैं? 2 के पास 4 आ रहा है, 2 में 2 को जोड़ा 4 आ गया, या 2 में 3 को जोड़ा 5 आ गया? 2 में 3 को जोड़ो 5, 1 में 3 को जोड़ो 4, 5 में से घटाया 4, 20 में से घटाया 19, ये बन सकता है रिलेशन। कैसे बन रहा है भाई? ऐसे कह सकते हो आप, देखो 2 में 3 को जोड़ा 5 आ गया, क्लियर है, और 20 में से 1 को घटाया 19 आ गया। अभी यहां पे इन दोनों में देखो क्या हुआ होगा, 5 में से 1 को घटाया 4 आ गया, और 1 में 3 को जोड़ा 4 आ गया। सीरीज बनी कैसी? सीरीज बनी क्रिस क्रॉस करके, मतलब
सीरीज में उल्टा किया गया है नंबर, पहले प्लस की थ्री फिर माइनस वन, प्लस थ्री माइनस वन, ऐसे सीरीज को बनाया गया। चलो देख लेते हैं कौन सा इस पे लगेगा। माइल में देखो 13 आई आता है 9 पे, एल 12 पे और डी आता है 4 पे, कैसे बनाया जाएगा। 13 में 3 को जोड़ेंगे 16 पे आ जाएगा पी, लास्ट में पी किस में दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन में, ये भी गया ये भी गया, शुरू के लेटर निकाल लो उत्तर आ जाएगा। 20 में से एक घटा के 19 आया था ना, 14 में से एक घटाओ 3 पे सी आ जाएगा, शुरुआत सी से एंडिंग पी से, केवल ऑप्शन बी में दे रखा है। कोई दिक्कत आई परेशानी आई बताओ, अगर आई तो बना या नहीं बना सबका पहले बताओ, ये सी किसका आ रहा है भैया, ये सी किसका आ रहा है। सीरीज पता चली कैसे बना रखी है, सीरीज बना रखी थी ऐसे, बीट के अंदर आप देखो 2 5 1 20 दे रखा है, पहले प्लस के 3 किया, 2 में 3 को जोड़कर लास्ट में लिख दिया गया, फिर माइनस के 1 किया, 5 में से घटा के 4 पे डी लिख दिया, फिर प्लस के 3 किया, 1 में 3 को जोड़ के 4 पे डी लिख दिया, फिर माइनस के 1 किया, 20 में से घटा के 19 पे एस लिख दिया। सीरीज इस तरीके की बनी थी, दो लेटर पकड़ने थे, आंसर आ गया ऑप्शन बी, कोई दिक्कत। आगे आ जाओ, आगे भी ये तो कर लोगे, थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन देखती हूँ मैं करवाने के लिए। चलो करना क्वेश्चन नंबर 9 करो, जो मोस्ट रिपीटेड है वो तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, सॉल्व कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, मतलब मैं क्वेश्चन भी दूंगी आपको पीडीएफ में, उनको सॉल्व जरूर कर लेना ठीक है। यदि किसी प्रकार से रेल को KCTN लिखा जाता है, यदि किसी प्रकार से रेल को KCTN लिखा जाता है तो आपको बताना है रीड को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, करिए जल्दी से बताइए फटाफट से इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जल्दी से बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एट द लास्ट मैं करवा दूंगी आपको कुछ क्वेश्चन और। करिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है, शुरू करें जो लेटर जिसके पास है पकड़ लो उसे। आर आता है 18 पे, ए 1 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, के 11 पे, सी 3 पे, डी 20 पे, एन 14 पे, कौन सा किसके पास दिख रहा है। 18 के पास 20 है, 18 में 2 को जोड़ा 20, 9 में 2 को जोड़ा 11, 12 में 2 को जोड़ा 14, क्या रिलेशन है। 18 में 2 को जोड़ा 20, 1 में 2 को जोड़ा 3, 9 में 2 को जोड़ा 11 और पीछे वाले का कोई चेंज नहीं उसका नीचे लिख दिया, 12 में 2 को जोड़ा 14। रीड में आ रहा था 18 पे, 5 पे, 1 पे, डी 4 पे, पीछे वाले का कोई चेंज नहीं है, 4 में 2 को जोड़ोगे 6 पे आ जाएगा, एफ फिक्स 6, लास्ट में एफ मिलेगा, ये भी गया ये भी गया, बचे केवल दो ऑप्शन, शुरुआत वाला पकड़ लो और कुछ नहीं करना। 18 में 2 को जोड़ोगे 20 पे आ जाएगा टी, टी और एफ आना चाहिए, 5 में 2 को जोड़ोगे 7 पे जी, 1 में 2 को जोड़ोगे 3 पे सी, सी जी टी एफ दे रखा है ऑप्शन बी में, बी विल बी द राइट आंसर, कौन दिक्कत, क्या हो जाएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ अब बताओ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के मान के चलो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताए थे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, और एसएससी तो पूछता ही पूछता है, चाहे वो जीडी ले रहा है, सीजीएल ले रहा है, सीएसएचएल ले रहा है, सीपीयू ले रहा है, एमटीएस ले रहा है, पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन को, ओ माय गॉड करो इसे, यदि किसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन को IRTSI DNO ITUB लिखा जाता है तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ। हम गुड्स पढ़ते हैं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते, अर्थशास्त्र में। सब्स्टिट्यूट का मतलब चाय कॉफी, चाय खत्म हो गई घर में तो कॉफी बना लो, नहीं जैसे ये मान सकते हो आप, और क्या मान सकते हो, सब्स्टिट्यूट होते ना एक दूसरे के, ब्लैक पेन हो गया और ब्लू पेन हो गया, ब्लैक पेन खत्म हो गया ब्लू पेन से काम कर लो, कॉम्प्लीमेंट होते हैं पूरक जो एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे, जैसे पेन और इंक, इंक के बिना पेन अधूरा, पेन के बिना इंक अधूरी, गाड़ी ईंधन, ईंधन के बिना गाड़ी अधूरी, गाड़ी के बिना ईंधन अधूरा, तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। चलो आ जाते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 10, इसने बोला क्या, इसने बहुत कुछ बोल दिया, इसने बोला यदि डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है
IRTSIDNO ITUB। तो आपको बताना है सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। जब भी सेम लेटर ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई दे क्या होता है, या तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार होगा या केवल पोजीशन चेंज की होगी। वर्णमाला के क्रम के अनुसार तो नहीं लग रहा क्योंकि बी सबसे पहले आना चाहिए था, पोजीशन चेंज की है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन में कितने शब्द दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दे रखे हैं। इनको हाफ कर दो क्योंकि यहाँ पे हाफ से चीजें दिखाई दे रही है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन में 12 शब्द हैं, इनको हमने 6-6 करके आधा आधा बांट दिया। केवल वैल्यू अक्षर रिप्लेस कर रखा है, केवल आधा आधा बांटने के बाद अक्षरों को रिप्लेस कर रखा है। आई आ गया, आर आ गया, टी एस आई डी एन ओ आई टी यू बी, 6-6 करके आधा आधा बांट दो। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा? 6-6 कर दो भैया, ये रहा 6, ये रहा 6। शुरुआत होगी किससे? आई टी एस बी यू एस, दिख रहा है कहीं? आई टी एस बी यू एस, मेरे को तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन बी में भी दिखाई दे रहा है। ई हो गया, ई हो गया, आगे चलो। फिर दे रखा है एन ओ आई टी यू टी, एन ओ आई टी यू टी, केवल ऑप्शन डी में है, डी विल बी द राइट आंसर। कौन दिक्कत परेशानी? आई डोंट थिंक सो की होगी। क्लियर है? जैसे मैगी की जगह पास्ता बना लेते हैं, हाँ मैगी तो एक और आया है, मैगी के बारे में नहीं सुना आपने? डी होगा बच्चा इसका आंसर। एक गूगल ने भी मैगी, मैगी तो नहीं, मॉगी कहेंगे उसे, गूगल ने भी मॉगी लॉन्च की है। क्या है मॉगी? भाई बताऊंगी मैं लास्ट में, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट, करो जरा इसको भी फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी लिखा जाता है तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बता दो फटाफट से। यदि किसी प्रकार से ह्यूमिडिटी को UHIMD एक लेटर मिसिंग है भैया इसके अंदर, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं सही चल रहा, MMIDTY लिखा जाता है तो बताइए पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। सही सही चल रही थी चीजें, बताइए पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? मैगी का सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हो, पास्ता को नहीं कह सकते। मैगी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है आपका ये यिप्पी, और भी बहुत सारे होते हैं, वाई वाई। जब लॉकडाउन लगा तो मैगी नहीं मिल रही थी, मैगी की जगह सारी ब्रांड चली है भाई, मैगी खत्म हो गई थी। लोगों ने, जिनको नहीं आता था खाना बनाना, जो बेचारे फंस गए थे लॉकडाउन के अंदर, जो घर नहीं जा पाए थे, मैगी तो खत्म ही हो गई थी मार्केट से, सब मैगी बना रहे थे। वाई वाई, ताई ताई, पता नहीं बहुत सारी ब्रांडेड आई थी, ब्रांड आई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। यहां पर दो दो लेटर जब भी सेम अक्षर ऊपर नीचे दिखाई दें, या तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया गया होगा या फिर रिप्लेस किया गया होगा। वर्णमाला के क्रम के अनुसार तो नहीं लग रहा है क्योंकि सबसे पहले डी आना चाहिए था, शुरुआत यू से हो रही है, इसको रिप्लेस कर दिया। दो दो लेटर को पकड़ा आपस में, एक दूसरे से उनकी प्लेस चेंज कर दी, दो दो अक्षर को पकड़ा बदल दिया, दो दो अक्षर को पकड़ा बदल दिया, लास्ट के दो को वैसे के वैसा ही रखा हुआ है। तो लास्ट के दो तो सेम रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दो दो के पेयर को बनाकर उनके अक्षरों को आपस में बदल दिया जाएगा। OPILITCS OPILITCS ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 100% ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे आ जाओ। करना चाहो क्वेश्चन नंबर करिए 12 को, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से मैन्युफैक्चर को AMFUNUCTCAR लिखा जाता है तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा जल्दी से इसका आंसर, करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो क्या निकाला जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ जल्दी से। यदि किसी प्रकार से मैन्युफैक्चर को क्या लिखा जा रहा है, AMFUNUCTCAR, तो आपको बताना है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। शुरू करें, आ जाओ। सेम लेटर ऊपर नीचे, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा या फिर पोजीशन चेंज की है। अल्फाबेट में नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि ए के बाद क्या आना चाहिए था, सी, ए के बाद एम दे रखा है, उड़ी बाबा। केवल रिप्लेस चेंज की है, मतलब पोजिशन को चेंज किया गया है, शुरू के दो लेटर को रिप्लेस कर दिया, ए की जगह एम, एम की जगह ए। ऐसा क्यों कह रही हूं, लिखते समय समझ में आया थी चीजें। आगे तीन अक्षर को रिप्लेस किया, एन यू एफ का बना दिया एफ यू एन। पहले शुरू के दो लेटर चेंज करोगे एल और ई, फिर तीन लेटर को चेंज कर दोगे टी सी ई, दिख रहा है कहीं, एल ई और टी सी ई, एल ई टी सी ई, या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन बी होगा, सी भी गया ए भी गया। आगे चलो, इसके बाद देखोगे हमसे कोई लेटर तो नहीं छूटा है, अच्छा यहाँ पे आ रही था ना, ओके। इसके बाद क्या हुआ, फिर तीन अक्षर के बाद चार अक्षर को उठाया, उन चारों को रिप्लेस कर दिया, ए सी टी यू को लिख दिया यू टी सी ए। लास्ट के फिर इसके बाद चार लेटर को उठाएंगे, इनको रिप्लेस कर दो आई एन ओ आर, आई एन ओ आर, आई एन ओ आर, आई एन ओ आर, केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, 100% बी विल बी राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में पी दे नहीं रखा, फिर यहां पर पी लिखा क्यों है, हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिक्स में पी नहीं है तो पी लेटर आ कैसे गया, आंसर डायरेक्ट आ जाता ऑप्शन बी, बी का 100% सही उत्तर होगा। कर लोगे क्वेश्चन, अब मैं अल्फाबेट से नंबर वाले पे चलूं, इसको और करो, फिर मैं अल्फाबेट से नंबर वाले पे चलती हूँ। जब अक्षरों से संख्या में चेंज किया जाता है, कोड डिकोड दिया जाता है, और ये भी बताना टोटल कितने आपके अभी तक सही हुए, ठीक है। यदि किसी प्रकार से फिजिक्स को, यदि किसी प्रकार से फिजिक्स को सी एच आई पी एस एस वाई लिखा जाता है, तो आपको बताना है हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। क्या कह रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जल्दी से बताओ यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने क्लासेस स्टार्टिंग से नहीं ली है, मैं आप सभी से बोलूंगी, क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट हो गई थी, पूरी क्लास जरूर लीजिएगा, ठीक है, बाद में ले लेना, अभी तो खैर लाइव लो, पूरी क्लास जरूर लेना स्टार्टिंग से आप सभी। चलो, फिजिक्स को लिखा गया चिप्सी, तो आपको बताना है हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। जब भी सेम लेटर ऊपर नीचे दोनों जगह दिए गए हो, सेम लेटर ऊपर नीचे दिए गए हो, दो काम होगा, या तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार है, या फिर रिपोजिशन है, पोजिशन को चेंज कर रखा है, रिप्लेस कर रखा है, पोजिशन की अदला बदली है। पहले देखो वर्णमाला के क्रम के अनुसार है क्या, तो ए बी सी डी में पहले सी आता है, फिर एच आई पी एस एस वाई। वाह, यहां पर जो मुझे लेटर दिए हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा रखे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में लगाए हुए हैं। ए बी सी डी पढ़ते समय हिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, तो ए बी सी डी पढ़ते समय सबसे पहले एच आ जाएगा, 8 पे आता है, फिर आई आ जाएगा, 9 पे आ जाता है, इसके बाद एस 19 पे आएगा, टी 20, ओ 15, आर 18 और वाई 25। ए बी सी डी पढ़ते समय एच आई के बाद आएगा ओ, ओ के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा एस, फिर टी और वाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लगाना था। एच आई ओ आर एस टी वाई, लास्ट के चार ही देख लो, आर एस टी वाई, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो जब भी सेम लेटर दिखाई दे, दोनों चीजें याद रखना, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया होगा, या फिर केवल अक्षरों का रिप्लेस किया है, ठीक है, शब्दों से शब्दों को बदला हुआ है, क्लियर। आ गया डी, सी भी आ रहा है किसी का, अरे बच्चा डी ही है, ये आप कर लोगे, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। अच्छा इसको करना सर, इसको कर, हालांकि इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हो रही है तो हम आपकी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। यदि किसी प्रकार से किंग को लिखा जाता है टीएमआरपी, तो आप बताओ रेल को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15। यकीन मानना ये क्वेश्चन केवल और केवल 25 से 30 सेकंड का है, 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा। करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 और बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करो जरा एक बार जल्दी से, फिर चलते हम आगे। हमें दे रखा है यदि किसी प्रकार से किंग को लिखा गया है टी एम आर पी,
तो आपसे पूछ रहा है रेल को क्या लिखा जाएगा। लेटर के नंबर लिख दो, देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या। के आता है 11 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, जी 7 पे, टी 20, एम 13, आर 18, पी 16। लेटर लिखने से पहले मुझे यहां पर एक चीज समझ में आ गई थी जिसे हम पहली नजर कहते हैं। कैसे? जब हम इसके आसपास के लेटर को देखेंगे, भाई चलो देख भी लिया, 11 में 2 को जोड़ा 13 आ गया, 9 में 2 को जोड़कर 11 आना चाहिए था, कहीं तो नहीं आ रहा है, सीरीज ऊपर नीचे भाग रही है। यहां पर अल्फाबेट के नंबर लिखने से पहले जो आप पहली नजर डाल रहे हो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर अपोजिट एबीसीडी का खेल चल रहा है। यहां पर दो लेटर के नंबर को जोड़कर 27 का योग बन रहा है। हालांकि इसके लिए तो मैं बोलूंगी आपको नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको पहली नजर में पहचान लोगे तो। हमें पता है कानपुर, जीटी रोड, मन की बात, इंडियन रेलवे अपोजिट एबीसीडी है। क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे लो चली में, इंडियन रेलवे और ए टू जेड, आंसर आ जाएगा ओ आर जेड आई, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अपोजिट एबीसीडी यहां पर दी गई है बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 को करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से हैंड को लिखा जाता है जेड एस डब्ल्यू एम, तो आपको बताना है सिल्क को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, करो जल्दी से, करिए जल्दी से फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी से करके बताओ, फिर चलते हैं इसके एक कदम आगे। और करिए जल्दी से फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। समय कर देते हैं आप खत्म, 35 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। अगेन अपोजिट एबीसीडी दिखाई दे रही है, कैसे? हाई स्कूल ए टू जेड, शुरू के दो अक्षर लास्ट के दो अक्षर को पेयर बनाकर उनको एक दूसरे से रिप्लेस किया गया है अपोजिट एबीसीडी में। माउंटेन ड्यू मन की बात, हाई स्कूल इंडियन रेलवे, लो चली में कानपुर, आंसर क्या हो जाएगा? आर एच पी ओ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये तो हो गए सेम, इनमें से विषम को छांटिए, छांट दो जरा इसको भी, इनमें से विषम को छांटिए, ऑड वन आउट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? आई आर एम एन जी टी सी के। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताइए इनमें से कौन सा बाकियों से अलग नजर आ रहा है। अब इसके बाद चलेंगे हम एक कदम आगे वाले क्वेश्चन पे, कोडिंग डिकोडिंग। अभी तक तो हमने बेसिक कर लिया जो कवर किया था, अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं। आई आर एम एन जी टी के सी कैसे बनेगा? तो सारे अपोजिट एबीसीडी है। इंडियन रेलवे, मन की बात, जी टी रोड, पर के का अपोजिट पी होता है कानपुर, यहां पर सी दे रखा है इसलिए ई ना हो सकेला। ये बाकियों से अलग हो गया, बाकी सारे लेटर एक दूसरे के अपोजिट थे लेकिन वो नहीं दे रखा था, ये तो आप कर लेते इसको करो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नया पैटर्न यहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से सिस्टर को जे आई जे बी आई लिखा जाता है, तो आपको बताना है ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। थोड़ा अलग है, पहचानो करो, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। यदि किसी प्रकार से सिस्टर को जे आई जे बी ई लिखा जाता है तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा, करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मतलब इसके अंदर। मैम मेरे को शादी करनी है, कर लो शादी, अभी पूछ के थोड़ी ना करते, आप दूसरे से पूछ के थोड़ी ना करोगे कि मुझे शादी करनी है, कर लो शादी करनी है तो। मम्मी पापा आए घर पे, मम्मी पापा से बोलो, देखो मम्मी पापा थोड़ा लेट कर सकते हैं, रिश्तेदारों से बोल दो, ठीक है, तुरंत आप बोलोगे आज रात ही शादी करवा देंगे, ठीक है, शादी करनी है, रिश्तेदारों को फोन करो एक बार, उनसे बोल दो, बस चटमंगनी पट गया, आ जाओ आगे। पर उससे पहले फाइनेंशियल स्थिति अच्छी कर लेना अपनी, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, मतलब बढ़िया जॉब हो जाए आपकी और एक फिक्स इनकम हो जाए, फिर सही रहती है चीज। ओके, आ जाओ क्वेश्चन बताओ 20 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे यदि सिस्टर को किसी प्रकार से जे आई जे बी लिखा जाता है तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा।
सिस्टर में ऐसा आता है 19 पे आई आता है, 9 पे एस आता है, 19 पे टी आता है, 20 पे ई आता है, 5 पे आर आता है, 18 पे। इसको लिखा गया है जे आई जे बी ई आई। जे आएगा 10 पे, आई आएगा 9 पे, जे आएगा 10 पे, बी 2 पे, ई 5 पे और आई 9 पे। ठीक है, क्या हो रहा है दया इसके अंदर? अब इसके अंदर हो रही है कुछ अच्छी अच्छी चीजें। अच्छी चीजें कौन सी वाली? देखो यहां पे एक में 9 को जोड़ा, जो दो नंबर वाले अक्षर हैं उनको आपस में जोड़कर एक ही संख्या बना दी। 9 में 1 को जोड़ा 10 आ गया, 10 पे जे। 9 एक ही संख्या है, 9 का 9 आ गया। 9 में 1 को जोड़ा 10 पे आ गया जे। 2 में 0 को जोड़ा 2 पे आ गया बी। 5 का 5 8 में 1 को जोड़ा 9 पे आ गया आई। जो अक्षर दो डिजिट वाले नंबर पे आ रहे हैं उनको जोड़कर एक डिजिट बनाया, उसका ही अक्षर लिख दिया। बी आता है 2 पर, 2 का 2 ही आएगा बी। आर आता है 18 पे, 8 में 1 को जोड़ोगे, 8 में 1 को जोड़ दो 9 पे आ जाएगा आई। बी आई इसमें है, इसमें है, ये भी गया ये भी गया, मतलब दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक तो डी एक तो बी। आगे चलो, ओ आता है 15 पे, 5 में 1 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6, 6 पे एफ आएगा। बी आई एफ केवल ऑप्शन डी भी दिखाई दे रहा है, उत्तर हो जाएगा 100% इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्या कह रहे हो रिश्तेदार, नहीं करवा रहे हैं शादी? तो बहुत अच्छी बात है भाई, भगवान ने बहुत अच्छे से रिश्तेदार चुन चुन के दिया आपको। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहा पहले बताओ। जो दो दो नंबर वाले लेटर है, जिन जिन जो लेटर दो डिजिट वाली संख्या पे आते हैं उनकी दोनों डिजिट को जोड़कर एक डिजिट बनाई और उत्तर दे दिया। ठीक है, आगे आ जाओ, बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 21 करो जल्दी से। अब यहां पे स्टार्ट होते हैं आपके जब अल्फाबेट को नंबर से डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ही रहा, करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि ए को 2, एम को 26, जेड को 52 लिखा जाता है तो बेट को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करें क्वेश्चन नंबर 21 को, आ जाओ। ए को 2 लिखा गया है, वैसे तो ए 1 पे आता है, इसने 1 का दुगना कर दिया 2 बना दिया। एम आता है 13 पे, 13 का दुगना कर दिया 26 बना दिया। जेड आता है 26 पे, 26 का दुगना करके 52 बना दिया। इसने सारे अल्फाबेट का दोगुना कर रखा है। पूछ रहा है बेट को कैसे लिखा जाएगा? या तो सारे लेटर का दोगुना करके जोड़ दो भाई, 2 दुनी 4 हो जाएगा, 5 दुनी 10 हो जाएगा, 10 दुनी 20 हो जाए, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बीईटी बैट दे रखा है ना, तो टी आता है 20 पे, 20 दुनी 40 हो जाएगा। या तो सबका दोगुना करके जोड़ दो या तो डायरेक्ट कर लो भाई, बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है, सबको जोड़कर दोगुना कर लो, बात तो एक ही है। पहले दोगुना करके जोड़ो या सबको जोड़कर दोगुना कर लो, एक ही चीज होती है। 20 5 25 2 27, 27 दुनी कितना हो जाएगा 54, 54 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी 54 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। यदि किसी प्रकार से डीप को 120 लिखा जाता है, रैबिट को 250 लिखा जाता है तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। यदि किसी प्रकार से डीप को 120, रैबिट को 250 लिखा जाता है तो आपको बताना है हेयर को क्या लिखा जाएगा। करो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करिए जल्दी जल्दी, करिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही नजर आ रहा है? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, रुक जाओ देख लेते हैं, 40 सेकंड काफी थे इसके लिए। इसने बोला किसी प्रकार से डीप को लिखा जाता है 120, फिर बोल रहा है रैबिट को लिखा जाता है 250, और फिर बोला जा रहा है कि बता दो इसी प्रकार से हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है जो भी लेटर दे रखे हैं उनके नंबर लिख लो, उसी से पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, पी आता है 16 पे, जोड़ना जरा सबको, 16 और 4 20 और 10 30,
30 का बना दिया इसने 120, कैसे होगा? 30 की 4 में गुणा करो 120 आ गया। अभी केवल हम बना रहे हैं, बाद में देखेंगे कि होता क्या है। रैबिट को देखो, आर आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे, जोड़ो कितना आ रहा है, तो 20 18 और 2 20, 20 20 40, 9 और 1 10, 40 और 10 50, 50 का बना दिया है 250, 50 की 5 में गुणा की होगी तब जाकर 250 बना। अब ये बताओ कि ये 5 कहां से आया, ये 4 कहां से आया? तो ये हमने पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा पीछे बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में, ये 4 कैसे आया? डीप में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करें। रैबिट में कितने अक्षर हैं? तो रैबिट के अंदर 5 अक्षर हैं, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करें। हेयर में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना नंबर को जोड़ के। एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे, सबको जोड़ो कितना बना रहा है, ऐड कर दो 8, 9, 9 और 9, 18, 18, 36, 36 चौके 144 हो जाएगा, 144, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अक्षरों के नंबर को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, उत्तर आ जाएगा 144, 144 विल बी द राइट आंसर। बन गया सभी का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत है, बहुत चला दे रखा है। यदि किसी प्रकार से एक्ने को लिखा जाए 3, 7, 29, 11, तो बॉयल को क्या लिखा जाएगा? यदि किसी प्रकार से एक्ने को लिखा जाए 3, 7, 29 और 11, तो आपको बताना है बॉयल को क्या लिखा जाएगा। करिए जरा इसका आंसर, बताइए क्या हो सकता है। यदि किसी प्रकार से एक्ने को 3, 7, 29, 11 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से बॉयल को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, 23 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करिए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। 100%, चलो बहुत अच्छी बात। लेटर के नंबर लिख दो, ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, एन आता है 14 पे, ए आता है 5 पे, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? दया, इसके रगों में खून दौड़ रहा है, दौड़ना चाहिए था, रोब्जा खून दौड़ना। चलो कैसे बनेगा, 14 बड़ी वाली संख्या को पकड़ लो, वो ज्यादा आसान होता है, देखना 14 दुनिया 28, एक जोड़ दिया 29, ऊपर वाले नंबर में 2 की गुणा करके 1 जोड़ दिया, 5 दुनी 10, एक जोड़ दिया 11, 3 दुनी 6, एक जोड़ दिया 7, 1 दुनी 2, एक जोड़ दिया 3, 2 की मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा जा रहा है। बी आता है 2 पे, वो 15 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, 2 दुनी 4 और 1 जोड़ दो 5 आ जाएगा, 15 दुनी 30, एक जोड़ दो 31 आ जाएगा, 9 दुनी 18, एक जोड़ दो 19 आ जाएगा, 5 31, अरे एक ही ऑप्शन है, पूरा करने की क्या ही जरूरत थी, एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, 5 से जो स्टार्ट हो रहा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले अक्षर के नंबर में 2 की गुणा करके 1 को जोड़ा जा रहा था, केवल बस यही चल रहा है इसके अंदर, 5 31 19 25 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बन गया सभी का, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ये थोड़े अक्षरों से नंबर बनाने वाले क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा परेशानी दे रहे होंगे, पर परेशान मत होना। यदि किसी प्रकार से मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 11 लिखा जाता है, तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखो जरा क्या बन रहा है, पीछे के 3 लेटर पकड़ना जरा, पीछे के 3 नंबर निकाल लो, सारे अलग दे रखे हैं, उत्तर आ जाएगा। पीछे के 3 नंबर निकाल लो, सारे दे रखे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि पीछे के 3 नंबर सभी के अलग हैं। क्या हो गया भाई, क्या मिल गया आज, सैटरडे है लग रहा है, आलू वालू के पराठे मिले आपको। करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको अक्षरों के नंबर याद है तो क्वेश्चन इजीली हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई, इसने बोला यदि मशीन को लिखा जाता है 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11, तो आपको बताना है डेंजर को क्या लिखा जाएगा। मैंने बोला केवल पीछे का निकाल लो, केवल पीछे के 4 लेटर निकाल, 3 निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर निकले कैसे, जब आपको नंबर याद हो, M आता है 13 पे, 1 पे, C 3 पर, H 8 पे, I 9 पे, N 14 पर और E 5 पे, क्या हो रहा है सब में।
13 पे 6 को जोड़ा 19 आ गया, 1 में 6 को जोड़ा 7 आ गया, 3 में 6 को जोड़ा 9, 8 में 6 को जोड़ा 24, 9 में 6 को जोड़ा 15, 14 में 6 को जोड़ा 20, 5 में 6 को जोड़ा 11, 6 6 जोड़ा जा रहा है केवल। लास्ट के तीन लेटर निकालो, जी 7 पे आता है, 6 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13, बीच वाला लेटर 13 मिलेगा मुझे, केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है, पूरा भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, बता दो फिर भी मानोगे नहीं तो कर लो भाई। ई आता है 5 पे, 6 को जोड़ोगे 11 आ जाएगा, आर आता है 18 पे, 6 को जोड़ोगे 24 आ जाएगा, पर इस पूरे को करने का कोई फायदा नहीं, आप इसमें 15 सेकंड और फालतू ही वेस्ट करेंगे। उत्तर मिल गया, आंसर कर लो, आगे बढ़ जाओ, हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, वर्क वाले को और करके बता दो, फिर करते हैं हम इसको यहाँ पे समाप्त कुछ क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से वर्क को 5, 6, 9, 2 लिखा जाता है तो बताइए लव को क्या लिखा जाएगा। यदि वर्क को 5, 6, 9, 2 लिखा जाता है तो बताइए लव को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जल्दी से बताइए, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, करिए जी जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखना है लेटर लिख दो पहले। W आता है 23 पर, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, K आता है 11 पे, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। 5, 6, 9, 2 कैसे बनाया गया होगा भाई, 2 में 3 को जोड़ दिया कितना आ गया 5, जो अक्षर 2 डिजिट वाले नंबर पे आता है उनकी दोनों डिजिट जोड़कर एक डिजिट बनाई गई है। 5 में 1 को जोड़ दिया 6 आ गया, 8 में 1 को जोड़ दिया 9 आ गया, 1 में 1 को जोड़ दिया 2 आ गया, बस। L आता है 12 पे, O आता है 15 पे, V आता है 22 पे, E आता है 5 पे, 1 में 2 को जोड़ोगे 3 आएगा, 5 में 1 को जोड़ोगे 6 आएगा, 2 में 2 को जोड़ोगे 4 आएगा, और 5 का 5 ही बन गया, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5 ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई, इतने बड़े अक्षर का छोटा बना दिया, उस अक्षर के नंबर से तो कुछ ना कुछ किया होगा, तो 23 में साफ दिखाई दे रहा है 3, 2, 5 बनेगा, 5, 1, 6, 8, 1, 9, 1, 1, 2, तो डायरेक्ट करो ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये और एक कदम और आगे क्वेश्चन है, करिए जरा इसे भी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26 और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। यदि किसी प्रकार से के डी जेड क्यू को 8, 1, 4, 2 लिखा जाता है तो बताइए पी आर एम टी को क्या लिखा जाएगा। करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। समय शुरू हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर क्या हो जाएगा, करके बताओ जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल हो रही है बच्चा, बिल्कुल हो रही है। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 बताइए इसके अंदर क्या होगा, जो जिसके नजदीक है उसको उसके पास भेज दो बेचारे को। के आता है 11 पे, डी आता है 4 पे, जे आता है 10 पे और क्यू आता है 17 पे। अच्छा मुझे 4 का तो 4 दिख रहा है, डी 4 पे आता है तो 4 का तो 4 दिख रहा है। अगर मैं 1 में 1 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, नंबर से मुझे जोड़कर संख्या डायरेक्ट दिखाई दे रही है तो मैं क्यों प्लस माइनस करूं, 4 का 4 आ गया। 1 में 0 को जोड़ दूंगी तो 1 आ जाएगा, 7 में 1 को जोड़ दूंगी तो 8 आ जाएगा, रिवर्स करके 2 डिजिट के अक्षरों को जोड़कर 1 डिजिट में चेंज किया गया है। पी आता है 16 पे, 6 में 1 को जोड़ोगे 7 आ जाएगा, लास्ट में 7 सभी में है। आर आता है 18 पे, 8 में 1 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा, सेकेंड लास्ट 9 सभी में है। एम आता है 13 पे, 3 में 1 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा। टी आता है 20 पे, 20 में 1 को जोड़ 20 में 0 को जोड़ोगे 2 आ जाएगा। 2, 4, 9, 7 ये क्या किसी का क्यूब होता है, होता है तो बताओ। 2, 4, 9, 7 ऑप्शन बी, बी दे रखा है नीचे, सी दे रखा है ऊपर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बच्चा 2, 4, 9, 7 इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो कर लोगे कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता परेशानी आएगी। और हाँ ये वाला क्वेश्चन भी करो एक बार,
ये वाला भी क्वेश्चन करो एक बार जल्दी से फटाफट से करिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तीन क्वेश्चन और है, 30 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी प्रकार से रिक्वेस्ट को S2R5 2 TU लिखा जाता है तो बताइए एसिड को क्या लिखा जाएगा, बताइए एसिड को क्या लिखा जाएगा, करिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। करो जरा एक बार जल्दी से। ऐप पे रीजनिंग का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो भैया स्टार्ट ही हुआ, अभी तो टाइम लगेगा उसे। करिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सी आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं पहले, रुक जाओ। आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, क्यू आता है 17 पे, यू आता है 21 पे, ई आता है 5, एस आता है 19 पे, टी आता है 20, एस आता है 19 पे, 2 दे रखा है, आर आता है 18 पे, 5 और 2 दे रखा है, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे। 18 में 1 को जोड़ा 19 आ गया, 5 का 2 बना दिया, चलो 5 में से हो सकता है 3 घटाया गया होगा। 17 में 1 को जोड़ा 18 आ गया, यू को 5 लिखा हुआ है, 21 का 5 कैसे बनाएंगे, ई का 2 बना रखा है। एस में 1 को जोड़ा 20, 20 आ गया, टी के बाद यू आ गया। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, जो वोवेल है, जो स्वर है, उनकी जगह तो नंबर दे रखा है। अंग्रेजी में कितने वोवेल होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है 5। अंग्रेजी में 5 वोवेल होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू। तो जो वोवेल है उनकी जगह इन्होंने नंबर दे रखे हैं, जो वोवेल है उनकी जगह नंबर दे रखे हैं। और नंबर क्या दे रखे हैं, आ जाओ देख लेते हैं भाई। वोवेल होते हैं 5 ए ई आई ओ यू। ई कौन से नंबर का वोवेल है? दूसरे नंबर का है, तो ई की जगह 2 दे रखा है। यू कौन से नंबर का वोवेल है? 5 नंबर का है, तो यू की जगह 5 है। क्वेश्चन को कैसे बनाया, जो वोवेल है, जो स्वर दे रखे हैं, उनमें तो स्वर की संख्या लिख दी गई है नंबर, कि स्वर में वो कौन से नंबर पे आते हैं। जो कॉन्सोनेंट दे रखे हैं व्यंजन, उसको केवल एक अक्षर आगे बढ़ाया गया है, और कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। सेम काम करो, ए मेरे पास वोवेल दे रखा है, कौन से नंबर का स्वर है? पहले नंबर का। सी कॉन्सोनेंट है, सी के बाद क्या आ जाएगा? डी। आई वोवेल है, स्वर कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। डी के बाद कौन सा लेटर आता है? ई आता है। कॉन्सोनेंट में प्लस की वन, वोवेल में उसकी संख्या दी हुई है, आंसर आ जाएगा आई डी 3 ई, ऑप्शन डी। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ जरा एक बार, बढ़िया था? वोवेल और कॉन्सोनेंट का केस था। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को पकड़ा सही सही? कहा हो सी वालों, सी वाले भी थे क्या? कैसे बता रहे थे सी? निकाल भी लेते हो जुगाड़ करके। चलो आंसर क्या आ जाएगा, आई डी 3 ई, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लेना, हालांकि पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, मैंने बता ही दिया कहां पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, एक कदम और आगे क्वेश्चन करो जरा इसको फटाफट से, 28 को। यदि किसी प्रकार से मैनेजर को, इसको तो ऐसे ही कर लो लिखना नहीं, मैनेजर को 34 लिखा जाता है, डायरेक्टर को 35 लिखा जाता है और असिस्टेंट को 36 लिखा जाता है, तो बताइए स्टाफ को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा आपने कभी ऐसा किया जैसे ट्रेन में जाते हैं बिना टिकट के, स्टूडेंट लाइफ में बिना टिकट के जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो समझ में आ जाता है हमें कि नहीं भैया टिकट खरीद लेनी चाहिए। तो जब ट्रेन में बिना टिकट के जाते हैं तो हम सबको देखते थे, सभी बोलते थे हम स्टाफ के हैं, स्टाफ के हैं, तो टीटी कुछ नहीं कहता था, ठीक है। तो फिर हमने बोलना स्टार्ट किया, टीटी आता था भैया हम स्टाफ के हैं, टीटी कुछ नहीं कहता था, कभी कभी पकड़ लेता था कौन से स्टाफ के बता दो जरा, तो वहीं से स्टाफ निकल के आ गया। बताइए अगर मैनेजर को 34, डायरेक्टर को 35, असिस्टेंट को 36, तो स्टाफ को क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, करके बताओ इसको जल्दी से करें। भाई देखो मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट, इन सभी में लेटर तो बहुत अलग है, फिर भी इनके जो नंबर है वो बराबर कैसे आ रहे हैं?
भाई अगर मैं गिनने बैठ जाऊं मैं क्यों गिनूं, पहले तो ये देखो ना हमें क्वेश्चन को पकड़ना है स्टार्टिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। उस कॉन्सेप्ट को लगाने से पहले आपको चीजें ध्यान में रखनी होंगी, क्या कि भाई अगर इन्होंने लेटर के नंबर जोड़े थे तो बहुत अंतर आना चाहिए था, क्योंकि मैनेजर में जो लेटर है डायरेक्टर में तो ज्यादा है, डायरेक्टर के जो अक्षर उनके नंबर देख लो, असिस्टेंट में और ज्यादा है, लेकिन जो इनके सामने नंबर लिखे हैं ना वो लगभग बराबर है, दोनों में 34, 35, 36 लिखा हुआ है। इसका मतलब अक्षरों को तो जोड़ा नहीं गया होगा, कुछ और हुआ होगा इसके अंदर, क्या हुआ होगा कुछ और आ जाओ देख लेते हैं। अगर मैं इस लेटर को देखकर यहां पर ऐसे देखना चाहूं कि भाई टोटल कितने अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 अक्षर है, इन 7 अक्षर को 3 और 4 में रखा हुआ है, 3 + 4 भी 7 ही बना रहा है, मतलब इस 7 अक्षरों का कुछ ना कुछ झोल झपाटा है। कैसे है? इन 7 अक्षर में देखो कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट है, क्योंकि अक्षरों को आप इनसे ही अलग कर सकते हो कि कौन सा अक्षर वोवेल है कौन सा अक्षर कॉन्सोनेंट है। मैनेजर में देखा 1, 2, 3 मुझे वोवेल की संख्या दिखाई दे रही है, बाकी बचे 4 कॉन्सोनेंट है, पहले वोवेल की संख्या फिर कॉन्सोनेंट की संख्या। डायरेक्टर में देखो 1, 2, 3 मुझे वोवेल दिखाई दे रहे हैं, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 मुझे कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे हैं। असिस्टेंट में 1, 2, 3 वोवेल है और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉन्सोनेंट है, पहले वोवेल की संख्या फिर कॉन्सोनेंट की संख्या। स्टाफ में क्या होगा, 1 वोवेल है, 1, 2, 3, 4 बाकी मुझे 4 संख्याएं कॉन्सोनेंट की दिखाई दे रही हैं। 14 ऑप्शन ही विल बी द राइट आंसर, आप में से काफी बच्चों ने निकाल भी लिया था। तो हम कहां पे किस अप्रोच को लगाएं वो ध्यान रखना होगा आपको, भाई खुद ही सोचो ना, मतलब लेटर चेंज कर दिए फिर भी नंबर में थोड़ा चेंज आ रहा है, 34 है, 35 है, 36 है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है पता कैसे चलेगा, टोटल 7 अक्षर थे, 3 और 4 को जोड़कर 7 आ रहा है, टोटल डायरेक्टर में 8 अक्षर है, 5 और 3 को जोड़ के 8 आ रहा है, टोटल असिस्टेंट में 9 अक्षर है, 3 और 6 को जोड़कर 9 आ रहा है, मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया गया होगा, समझ रहे हो। चलो तो ये थे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के, अब आ जाते हैं हम कुछ एज अ होमवर्क देने के लिए, ठीक है। यहां पर हम करेंगे आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन एंड, और अभी कुछ कुछ चीजें तो बची हैं वो हम कर लेंगे एक सेकेंड राउंड में। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूं एज अ होमवर्क, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर बताना है, सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देती हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, बताइएगा इसका ऑफलाइन कमेंट करके कि उत्तर क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क, और आज के सेशन से कितना आपको समझ में आया कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट, जरूर ऑफलाइन कमेंट करके आप सभी बताएंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क का आपके लिए रहने वाला है। क्लास की पीडीएफ इसके नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब पीडीएफ पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगी। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग मंडे में अपने टाइम पर। तब तक के लिए क्लास अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर करना, इतनी कंजूसी कैसे करते हो मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ इतनी कंजूसी तो बचपन में रसना बनाने में, हम रसना को डालने में नहीं करते थे, जितनी कंजूसी आप लाइक करने में करते हो। भाई जहां पे देखो जिसकी क्लास देखो लाइक कर दिया करो सेशन को, ठीक है, घनघोर पाप होता है पढ़ के चले जाते बिना लाइक किए। चलो आज के सेशन को करते हैं यहां पर एंड, मिलते हैं बच्चा मंडे में, तब तक लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए, अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। और क्या है गूगल की मागी, तो गूगल ने नया सर्च इंजन निकाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, उसी का नाम रखा है मागी, ठीक है। चलो आज के सेशन को करते हैं एंड, मिलते हैं मंडे, तब तक लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए, अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।